से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुलाकात की। राहुल ने पीड़ित परिवार को हर मुमकिन न्याय का भरोसा भी दिलाया। राहुल गांधी के साथ सूबे की सीएम अशोक गहलोत समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। गैंगरेप पीड़िता से मिले राहुल, न्याय दिलाने का दिया आश्वासन। गहलोत पायलट समेत बड़े नेता रहे साथ। अलवर की गैंगरेप पीड़िता से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुलाकात की। इस दौरान राहुल ने पीड़िता को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिलाया। राहुल ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और न्यायिक प्रक्रिया का गंभीरता से पालन भी किया जाएगा। इस मौके पर राहुल गांधी ने किसी भी सियासी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, ये मेरे लिए भावनात्मक मामला है, मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया। सुबह करीब 10:15 बजे राहुल गांधी थानागाजी पहुँचे। पीड़िता से राहुल समेत बड़े नेताओं ने मुलाकात की। राहुल करीब 20 मिनट तक पीड़ित परिवार के साथ रहे। राहुल गांधी पहले पीड़ित परिवार से अकेले मिले, उसके बाद बाकी नेताओं ने मुलाकात की। राहुल गांधी ने पीड़िता को गले भी लगाया। राहुल गांधी परिवार के सदस्य की तरह मिले। मैं बस एक 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 मैसेज देना चाहता हूं। ऐसी चीज को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। न्याय यहां जल्दी से जल्दी इस परिवार को, इस लड़की को न्याय मिलेगा। तो ये मैं आपको कहना चाहता था। सीएम अशोक गहलोत ने कड़े फैसले लेते हुए SC/ST एक्ट की तर्ज पर महिलाओं के लिए नोडल ऑफिसर की नियुक्ति और अलवर में क्राइम को रोकने के लिए जिले में SP लेवल के 2 अधिकारियों की नियुक्ति का बड़ा फैसला लिया। साथ ही पीड़िता को नौकरी देने का आश्वासन भी दिया गया। राजनीति कर रहे हैं तब भी राहुल जी ने कहा हम नहीं करेंगे, इसके मायने होते हैं। वो राजनीति करें पूरा देश जानता है, सबको मालूम है कि 2 तारीख को FIR लॉन्च हो गई थी, कार्रवाई शुरू हो गई, चुनाव 6 तारीख को थी। प्रधानमंत्री जी अगर खुद बोलते इस प्रकार से झूठ असत्य, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा देश का। और इसलिए चुनाव जीतने के लिए सरकार ने छिपाए रखा, पूरी पार्टी आंदोलन करने उतर रही है। आप समझ सकते हैं राजनीति कौन कर रहा। राहुल जी की स्पष्ट सोच जो भी बताई ना आपने कि हमारी कोई राजनीति करने मंशा नहीं, हमने कार्रवाई करी है, 7 दिन में हम लोग चालान पेश कर देंगे, हमने कई फैसले भी किए हैं, इनके लिए नौकरी का प्रबंधन करेंगे हम लोग। हमने कहा SP ऑफिस में फ्यूचर के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर अगर कोई SHO ने मना कर दिया FIR लॉन्च करने, जो आप जानते हो शिकायत आती रहती है, तो हमने प्रबंध कर दिया परमानेंट SP स्तर पर SP के ऑफिस के अंदर FIR लॉन्च हो सकती है। नंबर 2, हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ होगा SC/ST की तरह महिलाओं के लिए भी हमने DY/SP CO लेवल का ऑफिसर, नोडल ऑफिसर नई पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, वो लगाएंगे हम लोग। यहाँ पर एक और पुलिस SP लेवल का 2 जिले बनाए जाएंगे अलवर को पुलिस के लिहाज से, और 2 जिले बना करके पहले मांग भी थी, उन मांगों पूरी करेंगे और जल्दी उसका फैसला करेंगे। सरकार की तरफ से राहुल ने आश्वासन दिया परिवार को, जो सजा मिल सकती है मैक्सिमम कोई उसमें हम लोग कमी नहीं रखेंगे, पूरी तरह मॉनिटरिंग हम लोग। अब आप ये समझिए कि राहुल गांधी की पीड़ित परिवार से मुलाकात का असर क्या होगा। पीड़िता को इंसाफ मिलने में तेजी आएगी, सरकार इस मामले को और गंभीरता से लेगी। राहुल की मौजूदगी में जो वादे किए गए वो पूरे होंगे। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार कड़े फैसले लेगी। सुशांत पारेख, शरद पुरोहित के साथ जुगल किशोर गांधी, जी मीडिया, अलवर।